हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ केसीआई सर्टिफिकेट के बारे में। केसीआई सर्टिफिकेट होता क्या है, इसमें क्या डिटेल्स दिए रहते हैं, माइक्रोचिप्स क्या होता है, देन ट्रांसफ़र फॉर्म जो ओनरशिप ट्रांसफ़र फॉर्म वो क्या होता है, वो कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम केसीआई। सो ये आपका एक केसीआई सर्टिफिकेट। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये हम जो कस्टमर्स है इनके लिए है, ये डॉग ब्रीडर्स के लिए नहीं है। जब आप किसी से लेते हो तब आपके लिए ये वीडियो है। सो जब भी आप लेते हो उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आइधर आप केसीआई सर्टिफिकेट पपीज लो या फिर विदाउट पेपर्स के आप पपीज लो। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम केसीआई वाले पपीज लेते हैं सो ये उस केस में ज़रूरी होता है जब अगर आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर आप ब्रीडिंग करना चाहते हो देन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन केस अगर आप डॉग को डॉग शो में ले जाना चाहते हो तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उसको प्योरली एज ए घर पर रखना चाहते हो देन इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मेरा डॉग का पेरेंट कौन है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, जस्ट उसका आइडिया लेने के लिए देन आप रख सकते हो, अदरवाइज इसकी उतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सेम पपी लोगे विद पेपर विदाउट पेपर प्राइस रेंज में डिफरेंस आ जाता है 10-15-20,000 के अराउंड। ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट। एक्चुअली ये सर्टिफिकेट में क्या क्या दिया रहता है, सो फर्स्ट सबसे ऊपर आपका लिखा रहेगा द केनल क्लब ऑफ इंडिया, दैट इज द केसीआई। देन उसके बाद लिखा रहता है द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर, मीन्स किसके नाम का है ये रजिस्ट्रेशन। सो ये जो नाम है डेक्स्टर, ये एक्चुअली पपी का नाम है, बट क्योंकि ये ब्रीडर से हमें मिला है तो ये जो नाम है ये ब्रीडर ने असाइन किया, ये हमारे पपी का जो हमने नाम रखा है वो नहीं है। तो इस नेम को भी आप चेंज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। सो बेसिकली ये द नेम ऑफ द पपी है। देन सेकंड आता है आपका माइक्रोचिप नंबर। सो माइक्रोचिप क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सो ये उसका नंबर है। एंड देन उसका डेट ऑफ बर्थ, पपी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका सेक्स क्या है, अगर मेल है तो डॉग लिखा होगा, अगर फीमेल है तो बिच लिखा होगा। देन उसका ब्रीड, किस ब्रीड का आपका डॉग है। देन उसका कलर मार्किंग्स। सो ये जो पूरा एरिया है इसमें आपके डॉग के पूरे डिटेल्स दिए रहते हैं, उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका केसीआई माइक्रोचिप नंबर, एज, सेक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके सो ये जो माइक्रोचिप नंबर है ये आपके उस माइक्रोचिप का है जो इस सर्टिफिकेट के साथ आता है। सो ये जो नंबर है जब आप स्कैन करेंगे देन ये जो पूरा डिटेल है इस सर्टिफिकेट का वो उसमें आ जाता है। देन आते हैं हम सेकेंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया डॉग का इन्फॉर्मेशन, सेकेंड पार्ट में होता है डॉग का पेडिग्री दिया रहता है। पेडिग्री इन द सेंस सिंपल टर्म में हम पेडिग्री को कहते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में क्या होता है, ये जो आप छोटा सा एरो देख रहे हैं ये आपका पपी हो गया, यहाँ पे आपका पपी है। सो ऊपर के साइड में आते हैं उसके फादर, तो पपी का फादर का नाम गॉबलिन है एंड मदर का नाम रिहाना। सो ये फादर साइड, ये मदर साइड। अब फादर का भी दो एरो जाता है, पहला एरो उसके फादर का यानी पपी के ग्रैंड पेरेंट्स का, तो ये ग्रैंड फादर, और ये फादर के मम्मी का यानी पप्पी के ग्रैंड मदर का, फिर ग्रैंड फादर के भी पेरेंट्स का, देन ग्रैंड मदर के भी पेरेंट्स का। सिमिलरली आप अगर नीचे आएंगे ये उसके मदर है पप्पी की, ये उसके मदर की मदर है, देन मदर की फादर, देन मदर की मदर एंड उनके भी पेरेंट्स। सो ये आपका पूरा डिटेल आ गया पप्पी के जनरेशन का। ये आपका आता है फर्स्ट जनरेशन यानी उसके फादर का, देन ये आता है आपका उसका सेकेंड जनरेशन यानी उसके ग्रैंड पेरेंट्स का, और ये आता है उसका थर्ड जनरेशन मीन्स उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स का। तो तीन जनरेशन का इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। देन इसके नीचे रहता है हमारा ब्रीडर का नाम जिससे हमने परचेज किया है, एंड रजिस्ट्रेशन, किसने रजिस्टर करा है। तो जनरली ब्रीडर ही रजिस्टर करा था, तो ये दोनों नियम सेम होते हैं। एंड लास्ट में होता है आपका डेट और ये होलोग्राम जो केसीआई का, और ये इनका सिग्नेचर। सो ये हो गया आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट। सो ये पूरा डिटेल इसमें दिया रहता है फर्स्ट पेज में। अगर आप इसके बैक साइड को देखेंगे, बैक साइड में जो आता है ये है उसका ट्रांसफ़र फॉर्म। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ए कस्टमर, हमारे लिए ये वाला सबसे ज़्यादा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम किसी से लेते हैं केसीआई सर्टिफिकेट ये हमेशा इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड रहता है, रजिस्ट्रेशन नेम ब्रीडर नेम सेम होता है। बट अगर आप केसीआई सर्टिफिकेट ले रहे हैं और अगर आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे देन ये किसी काम का नहीं है, देन ये एज इट इज़ सेम है कि आप केसीआई सर्टिफिकेट ना ले। ये आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको क्या करवाना है, अभी आपको ट्रांसफ़र करवाना है कि ये जो बच्चा है ये आपका है। जब तक ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे तब तक नहीं होगा। तो इसके लिए होता है ट्रांसफ़र फॉर्म, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि हम कैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं। जब हम ट्रांसफ़र कराएंगे यहाँ पर ट्रांसफ़र नंबर ऑन, किस डेट पे ट्रांसफ़र होगा और वो किसके नाम पे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा केसीआई मैनेजर का। सो फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब चाहे यहाँ पे उसके ब्रीडर का नाम हो लेकिन प्रेजेंट जो आपके ओनर है उसका नाम आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फॉर्म आपका अभी सर्टिफिकेट जो है ये कंप्लीट है। सो इसलिए अगर आप इसको ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे आप खर्च कर रहे हैं केसीआई सर्टिफिकेट के लिए, सो हमेशा ये रिकमेंडेड है कि आप ट्रांसफ़र ज़रूर करवाइए। सो अभी हम बात करते हैं माइक्रोचिप के बारे में। सो सेकेंड पार्ट हो गया आपका माइक्रोचिप।
सो बेसिकली ये जो है ये ही आपका माइक्रोचिप है, ये एक सिरिंज की तरह आता है और इसके अंदर में माइक्रोचिप होता है जो आप जनरली डॉग के जो शोल्डर मीन्स जो उसके फोरहेड से लेके पीछे शोल्डर का पार्ट है वहाँ पे वेट इसको इंसर्ट कर देते हैं। आपको नहीं करना है, आप किसी वेट के पास जाइए वही कर देंगे, आप इसको करने की ट्राई मत कीजिए। ओके सो ये आपका माइक्रोचिप है जो कि जनरली इस टाइप से आता है। जब आप केसीआई मीन्स आता है फर्स्ट टाइम जब ब्रीडर के पास आएगा केसीआई सर्टिफिकेट उसके साथ ये ऐसे पैक्ड होके आता है, ये मैंने खोल के आपको दिखाया। सो ये आपका माइक्रोचिप है। सो माइक्रोचिप जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप ध्यान रखिए, अगर किसी के पास सिंगल डॉग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो माइक्रोचिप है वो आपको इंसर्ट करना है। बट आपके पास मान लीजिए मोर देन वन डॉग्स है सो आप कन्फ्यूज एट ए टाइम, अगर आपको मान लीजिए 3-4 केसीआई सर्टिफिकेट्स आ गए, 3-4 माइक्रोचिप्स आ गए, सो आप उसमें क्या कीजिए, जो भी माइक्रोचिप्स होते हैं उसमें उसका नंबर लिखा रहता है, ये जैसे माइक्रोचिप है उसका नंबर है 97 ये करके 1546। सो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स आप उसमें देखिए, ये हो गया 1495, ये इसका नहीं है, ये रहा 1546। तो ये जो माइक्रोचिप है, जो ये 1546 का माइक्रोचिप है, ये इस सर्टिफिकेट का है। तो यानी आप जिस भी डॉग को लगाए आप ध्यान रखिए आप किस डॉग को क्या उनसा माइक्रोचिप लगा रहे हैं। एक कॉशन है कि आप कोई भी माइक्रोचिप खोले तो वो उसी के जो कवर है उसी में रखिए, ऐसा नहीं कि आप इसको खोल के उसके कवर में रख दे, उसको खोल के इसके देन डेटा में चेंजेस आ सकते हो। ओके सो अभी हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। सो ये जो है ये लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ ओनरशिप ट्रांसफ़र। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो ये जो केसीआई सर्टिफिकेट है ये आपके ब्रीडर के नेम पे ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप इसको ले रहे हैं बेटर है कि आप इसके ओनरशिप में ट्रांसफ़र करवाएं, अदरवाइज़ ये अगर ब्लैंक है तो यानी ब्रीडर का ही डॉग माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो इसके लिए आपके कुछ फॉर्म्स आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो दो फॉर्म्स जनरली हमको भरने होते हैं, एक आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर्ड डॉग मीन्स ये ओनरशिप ट्रांसफ़र, ये होता है फॉर्म एफ, ये आपको केसीआई के वेबसाइट में मिलेगा। दूसरा है आपका द इंडियन कैनल गैजेट, ये है फॉर्म जी। ये दोनों फॉर्म आपको चाहिए, फॉर्म एफ एंड फॉर्म जी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म एफ की। सो फॉर्म एफ में क्या होता है, जब आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं सो इसमें सबसे पहले आता है आपका दो ऑप्शन आता है। सो दो ऑप्शन जो आता है, सबसे पहला है अगर आप ओनरशिप डॉग के डेट ऑफ बर्थ के विद इन 1 ईयर के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र करें तो आपको कॉस्ट आएगा 118 रुपये। अगर आप आफ्टर 1 ईयर के बाद उसका ओनरशिप चेंज करें देन उसका प्राइस आ जाएगा 590 रुपीज़। सो ये उनके फिक्स प्राइजेस है। और इसके अलावा एक 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा और आपको देना है, ये जब आप उनको भेजेंगे सर्टिफिकेट तो ये उन आपको फिर रिटर्न करेंगे बाय स्पीड पोस्ट, तो ये उसका चार्जेस लेते हैं, मेलिंग चार्जेस। सो अब इसमें क्या आता है फॉर्म में, तो ये आपका फॉर्म हो गया। सो इसके लिए आपको दो चाहिए, सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म चाहिए, साथ में आपको ये वाला भी चाहिए। ये आपको इंडियन कैनल का एक गैजेट आता है, ये वो आपको देंगे, ये कंपलसरी है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा इट इज़ कंपलसरी। आप जब तक आप इंडियन कैनल के जो गैजेट है इसको आप लेंगे नहीं तब तक, ये लिखा हुआ है कंपलसरी, तब तक आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो इसके दो ऑप्शन है, इसके अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो वो 600 रुपीज़ है, और आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 1000। सो क्योंकि मैं उतना ब्रीडर नहीं हूँ, मुझे बस अपने डॉग का नेम ही चेंज करना है, इसलिए मैंने जस्ट फॉर 1 ईयर 600 रुपीज़ के लिए एक अलग से ये फॉर्म भरा है। सो सबसे पहले इस फॉर्म की बात कर लेते हैं, इस फॉर्म में क्या क्या होता है। सो ओनरशिप चेंज में सबसे पहले आपका आता है ये जो पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये आपके ब्रीडर का डिटेल है, आपका जो डॉग का ब्रीड है वो कौन सा ब्रीड है, उसका सेक्स क्या है, और उसका केसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपके जो केसीआई का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वाला नंबर आपको डालना है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, माइक्रोचिप नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद उसका रजिस्टर्ड नेम, जो रजिस्टर्ड नेम है, रजिस्टर्ड नेम इसका डेक्स्टर है तो आपको डेक्स्टर डालना है, आप भले उसको टॉम टॉमी कुछ भी बोला वो नहीं डालना है, जो रजिस्टर्ड नेम है वो डालना है आपको। सो डेक्स्टर और ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों आपको डालना है। देन आपने जो उस ब्रीड किससे लिया है उसका नाम, हरदीप सिंह जैसा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीडर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला नाम आपको वहाँ पे डालना है। ठीक है, ये उनका एड्रेस कहाँ का है, उनका फ़ोन नंबर, उनका सिग्नेचर और ये उनका डेट। इस साइड में आपका डिटेल डालना है मीन्स जिसके नाम से ट्रांसफ़र होगा ओनरशिप, मीन्स आप अपना डाल सकते हैं या किसी के जिसके भी नाम से होगा, ये उसका डिटेल है। और लास्ट में आपको एक डीडी बनाना है, जैसे मैंने पहले बताया था
डीडी ही बनाना है, 118 रुपये अगर एक साल के कम का बच्चा है और एक साल से ज़्यादा है तो 590। इसके अलावा 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा ये उनके हैं मेलिंग चार्जेस। सो जनरली क्योंकि मेरे डॉग का अभी तक एक ईयर एक साल हुआ नहीं है, सो इसलिए मैंने 118 प्लस 90 टोटल आता है आपका 208। सो मैंने 208 रुपीज़ का एक डीडी बनाया और ये बना के आपको केसीआई वालों को भेजना होता है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म। अब आता है आपका सेकेंड फॉर्म जो कि ये था IKG दैट इज इंडियन कैनल गैजेट का सब्सक्रिप्शन, ये कंपलसरी है। सो इसके लिए जो फॉर्म है वो है आपका फॉर्म जी। सो फॉर्म जी भी आपको भरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको आपका नेम डालना है, देन आपका पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और इंडियन कैनल गैजेट आप किस मंथ से लेना चाहते हैं। जो अभी जनवरी चल रहा है तो मैंने जनवरी 23 का लिया है और वन ईयर का लिया, मैंने टू ईयर का नहीं लिया। और वन ईयर का है 600, इसको टिक कर दीजिए वन ईयर करके। और इसका भी आपको एक डीडी बनाना है जो कि द इंडियन कैनल गैजेट के नाम से होगा और पेएबल एट चेन्नई। सो ये दोनों आपको फॉर्म भरना है। अब क्वेश्चन आता है डीडी एक सिंगल डीडी बनाए या दो डीडी बनाए या क्या बनाए। सो ये दोनों अलग डिपार्टमेंट के हैं तो इसलिए दो अलग अलग डीडी बनेंगे। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये है मेरा 208 रुपीज़ का जो कि ओनरशिप चेंज के लिए, ये 208 रुपीज़ का डीडी है जो कि बना है केनल क्लब ऑफ इंडिया के नेम पे। ये डीडी है, ये है आपका 600 रुपीज़ का, ये बना है द इंडियन कैनल गैजेट, ये है इंडियन कैनल गैजेट के लिए और ये वाला हो गया आपका इंडियन कैनल क्लब के लिए। सो आपको दो डिफरेंट डीडी बनेंगे, एक 600 रुपीज़ का गैजेट के लिए, एक बनेगा 208 रुपीज़ का सिंगल डॉग के लिए। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन आता है जो हमारे मेरे लिए तो बहुत कॉमन है, वो है अगर दो डॉग्स है तो, अगर दो डॉग्स है तो क्या हमें दो गैजेट्स लेने होंगे। जी बिल्कुल नहीं, दो डॉग्स है तो आपको दो गैजेट लेने नहीं होंगे। जैसे कि मैं इस बार अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक डॉग के लिए एक 208 रुपये का डीडी बनाया और सिमिलरली मैंने दूसरे डॉग के लिए, ये दूसरे डॉग का पेपर है ये, उसके लिए मैंने एक और 208 रुपये का डीडी बनाया। सो ये मेरे दो डीडी हो गए डॉग्स के लिए ओनरशिप चेंज, और सिंगल हो गया आपका गैजेट के लिए। सो गैजेट आपको सिंगल ही लेना है, भले ही आपके पास 10 डॉग हो बट गैजेट आपको एक ही लेना है। बट हर डॉग के लिए ओनरशिप चेंज का अलग से 208 रुपये का डीडी बनेगा। सो टोटल एक गैजेट का है, एक ओनरशिप का, और जितने डॉग्स है उतने ओनरशिप्स के। सो ये आपके हो गए टोटल फॉर्म्स जो आपको सबमिट करना है। अब इनके साथ साथ इनका जो ओरिजिनल केसीआई है ये भी सबमिट करना है। जैसे मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ एज ए सिंगल डॉग लेके, जैसे कि डेक्स्टर का अगर मुझे चेंज करना है, सो डेक्स्टर का ओरिजिनल केसीआई सर्टिफिकेट, उसके साथ उसका ओनरशिप चेंज फॉर्म, उसका डीडी, देन आपका इंडियन कैनल गैजेट का फॉर्म और उसका डीडी। ये जो आपका पूरा मटेरियल है ये आपको एज इट इज़ फोल्ड करके आप किसी लिफाफे में डालिए, लिफाफे में डाल के ये आपको भेजना है इंडियन कैनल क्लब को। इसका एड्रेस यहाँ पे आपको दिया रहेगा, ये इंडियन कैनल क्लब का ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। सो इसमें ध्यान रखिए आपको माइक्रोचिप को स्पीड पोस्ट नहीं करना है, आपको बस ये डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट करना है। माइक्रोचिप का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली वो सर्वर में अपलोड कर देंगे और ये भेजने के विद इन एक महीने या दो महीने के अंदर ये नेम चेंज होकर आपको ये सर्टिफिकेट वापस मिल जाएगा। आपको KCI ये सेम सर्टिफिकेट, आपके लिए नया सर्टिफिकेट नहीं बनता, सेम सर्टिफिकेट वो वापस कर देंगे। बस इसमें क्या होगा, बैक साइड में जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ट्रांसफ़र नंबर, जिस डेट पे ट्रांसफ़र हुआ है आपका नाम और उनका सिग्नेचर। कई बार क्या होता है, जैसे कि ब्रीडर है, ब्रीडर का कई बार क्या होता है कि डॉग्स बहुत चेंज होते हैं, जैसे आज मैंने रखा है कल किसी को मैंने दिया है, तो उस केस में क्या होता है ये मल्टीपल टाइम्स चेंज होते हैं। सो इसमें जैसे मान लीजिए आज मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है, एक साल बाद मान लीजिए मैं किसी और को दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो फिर से ये फॉर्म लेगा, सेम फॉर्म उसको बनाना पड़ेगा। उस केस में क्योंकि डॉग का ईयर मोर देन वन ईयर हो जाएगा तो उसको 590 रुपीज़ दे के फिर से ये फॉर्म भरना होगा, उसमें इस यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा और ये फिर से चेंज होगा, तब उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम, ऐसे करके ये बना हुआ है। सो ये हो गया आपका कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफ़र का डिटेल, कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। सो आज मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेट्स सी ये कितने दिन में आता है, और जब भी आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। सो चेंज ऑफ ओनरशिप फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक पेट ओनर के लिए। बट जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, आप डॉग का नेम भी चेंज कर सकते हैं, सो उसके लिए भी प्रोविजन है KCI में। सो उसके लिए आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना होता है, ये है आपका फॉर्म ई,
ये भी KCI के वेबसाइट में दिया हुआ है। सो इसका मेन जो पर्पस है वो एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ द रजिस्टर्ड डॉग। सो मान लीजिए आपने जो डॉग लिया उसका ब्रीडर ने जब उसको रजिस्टर किया था तो किसी नाम से किया था, आपको उसको चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो। इसके लिए जो आपको फ़ी पेमेंट करना है वो आपको 449, एंड इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा रुपये देने होंगे वो है आपके 60 रुपीज़। आपको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे जो वो पोस्ट करेंगे इसके लिए। सो टोटल फीस हो गया लगभग 450 एंड 60 रुपीज़, दैट इज़ 510 रुपीज़। सो इस फॉर्म को भरने से पहले दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट कि नेम चेंज, आप जो फॉरेन से अगर आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके डॉग ला रहे हैं तो उसका नेम चेंज नहीं हो सकता। सेकंड, अगर कोई डॉग ऑलरेडी चैंपियन बन चुका है उसका भी नेम चेंज नहीं हो सकता। वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो किस किस कंडीशन में नेम चेंज नहीं हो सकता है। अगर वो कंडीशन नहीं है, आप जनरली नेम चेंज करना चाहते हो अपने ब्रीडर से डॉग लाने के बाद, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको ब्रीड भरना पड़ेगा, जैसे आपका कोई भी ब्रीड हो, रॉटवेलर हो, जर्मन शेफर्ड हो। देन उसके बाद आपको उसका सेक्स, जो डॉग है या बिच है क्या है, उसका KCI रजिस्ट्रेशन नंबर, देन उसका रजिस्टर नेम जिस नेम से उसके ब्रीडर ने रजिस्टर किया था, जैसे हमारे एक KCI सर्टिफिकेट में आपने देखा डेक्स्टर नेम है वो। और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप क्या क्या नाम रखना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप एक ही भेजो, एटलीस्ट आपको तीन ऑप्शन देने होंगे कि जैसे कि मैंने एक में बेरी रखा है, एक में ब्लैक, एक में बेरू। सो ये मैंने ऑप्शंस दिए, इनमें से कोई एक नाम आपको मिलेगा। और दूसरा चीज़, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिखोगे वो सारे कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। आइदर ये कैपिटल लेटर्स में हो या फिर आप इस फॉर्म को टाइप करके इनको भेजिए। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपका डिटेल, आपका नाम, सिग्नेचर एंड आपका एड्रेस वगैरह आप ये करके भेज दीजिए। सो ये अगर आप भेज देंगे तो आपका जो डॉग का नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। सो ये था हमारा KCI के बारे में डिटेल। और देखिए इन महाशय को जिनका KCI बनने जा रहा है, जिनके पेरेंट्स का नाम चेंज होने जा रहा है, वो आराम से सो रहे हैं। सो ओके फ्रेंड्स, सो होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर कोई भी डाउट है अगर आपको KCI के रिगार्डिंग, या कैसे चेंज करते हैं, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।